हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सेगमेंट के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। दोस्तों, आज हम लोग सिविल सेवा में पूछे जाने वाले तमाम विषय वस्तुओं में से एक भारतीय राज्य व्यवस्था व संविधान के संदर्भ में परिचर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग कुछ इसके महत्व के बारे में बातें कर लेते हैं। यहाँ मेरा महत्व कहने का तात्पर्य है कि आखिर सिविल सेवा के अंदर मुख्य रूप से जो दो परीक्षाएं आयोजित होती है, प्रारंभिक परीक्षा व मुख्य परीक्षा, इन दोनों ही स्तरों पे इस सेक्शन का यानी तमाम विषय वस्तुओं में से एक भारतीय राज्य व्यवस्था व संविधान का क्या रोल होता है, इसकी क्या भूमिका होती है, खास करके प्रश्नों के मद्देनजर इस पर हम लोग बात करेंगे। और थोड़ी देर इन औपचारिक बातों के पश्चात हम लोग सीधे विषय वस्तु में मूव करेंगे। आखिर किस तरीके से हमें इस सिलेबस पर अपनी कैसमेंट बूस्ट करनी है, कैसे इस पर पकड़ बनानी है, इन तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे। और बिल्कुल बेसिक से मैं प्रारंभ करूंगा सिलेबस को, ताकि हर एक बिगनर्स भी आसानी से अपनी समझ विकसित कर सके। तो देखते हैं, यस, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय राज्य व्यवस्था व संविधान, अगर हम सिविल सर्विसेज के मद्देनजर इसकी भूमिका का आकलन करें तो देखेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में यानी प्रीलिम्स में नियर अबाउट 10-15 क्वेश्चंस आपको इस सेक्शन से मिलेंगे। ओके, दूसरी बात, अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में बेसिकली जो जनरल स्टडीज के चार पेपर्स हैं उसमें यह खंड द्वितीय पेपर के तहत पूछा जाता है, सेकंड पेपर के अंदर पूछा जाता है। और सेकंड पेपर में आउट ऑफ 250 आप ये कमोबेश मान के चलेंगे 80 मार्क्स टू 120 मार्क्स तक के क्वेश्चंस यहां से पूछे जा सकते हैं। चूंकि सेकेंड पेपर में मेंस में पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अलावे आपको दूसरे सेक्शन से भी सवाल मिलेंगे, लाइक इंटरनेशनल रिलेशनशिप, गवर्नेंस रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं, है ना, शासन से संबंधित मुद्दे और भी कुछ, कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट, जो कई दफा लीगल एस्पेक्ट्स भी यहाँ पूछ दिए जाते हैं सेकेंड पेपर में। हालांकि उसको हम लोग या तो सीधे कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेंट से जोड़कर देख लेते हैं, या फिर आप यू कह लीजिए कि गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज से उसको जोड़कर पढ़ते हैं। तो मूल रूप से अगर देखा जाए तो जनरल स्टडीज पेपर टू में आपको बेसिकली तीन सेगमेंट पे ज्यादा काम करना है। एक तो आपकी ये इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन हुई, अपार्ट फ्रॉम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन यू वुड हैव टू हैव अ लुक अपॉन वन मोर मेजर सेक्शन लाइक इंटरनेशनल रिलेशनशिप, अंतरराष्ट्रीय संबंध। एंड अगेन अपार्ट फ्रॉम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन अलॉन्ग विथ इंटरनेशनल रिलेशनशिप यू आर इक्वली invited to have a look upon governance. तो इस तरह से तीन major contributing dimensions हैं general studies paper 2 के, polity and constitution, international relationship and governance. चलो, तो अगर देखा जाए तो out of 250 आप अगर इस section पे अपनी कैसमेंट बूस्ट कर लेते हैं, अपनी पकड़ मजबूत कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत हद तक आप कंफर्टेबल फील करेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी पढ़ने के बाद फिर गवर्नेंस समझना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा, थोड़ा वो अप्लाइड एस्पेक्ट होता है। एनीवे, प्रीलिम्स में भी आप देखेंगे आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस यहां आपको 10-15 क्वेश्चंस एट एनी हाउ मिलने हैं। ओके, अभी जो हमारी मोड ऑफ स्टडी होगी इस प्रोग्राम के तहत, हमारी कोशिश होगी कि आईएएस में प्री कम मेंस दोनों ही स्तर पे
इस सब्जेक्ट से जो सवाल पूछे जाते हैं उनके मद्देनजर ही हम लोग अपनी परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यानी कोशिश होगी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी ध्यान में रखें, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को भी ध्यान में रखें। आपको मालूम है प्रीलिम्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बेसिकली बहुविकल्पीय प्रकार के होते हैं, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जहां आपको चार विकल्प प्रोवाइड किए जाते हैं, उनमें से एक जो सर्व उपयुक्त विकल्प होता है, मस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, उसके साथ जाना होता है। मीन्स पूरी तरह आपकी संकल्पना पर डिपेंड करता है, आपके कंसेप्ट पर डिपेंड करता है, आपकी कितनी एनालिटिकल कैलिबर है आपके अंदर, एंड अकॉर्डिंगली यू राइट योर आंसर्स। ओके, यहां बेसिकली हमारी कोशिश है हिंदी माध्यम के परीक्षार्थियों तक एक सही तरीके से विषय की समझ विकसित की जा सके, कराई जा सके। हाँ, हालांकि मैं पहले आपको आगाह कर दूं कि लेक्चर के दौरान मैं 20-20 में इंग्लिश के टर्म्स वगैरह का इस्तेमाल करते रहूंगा। इसको ये मानकर नहीं चलना है कि इंग्लिश का टर्म इस्तेमाल हो गया तो ये क्लास हिंदी मीडियम के लिए नहीं रही। ये मूलतः हिंदी मीडियम के लिए ही क्लास है, बट हमारी कोशिश होगी कि अगर इस लेक्चर को इंग्लिश मीडियम बच्चे भी सुन रहे हों, देख रहे हों, तो उन्हें भी कुछ फायदे मिल सके। हिंदी मीडियम वाले भी पजल नहीं होंगे टर्म्स वगैरह को लेकर। जहां भी मैं इंग्लिश का टर्म यूज करूंगा आप तय मानिए उसके साथ साथ हिंदी का जरूर यूज करूंगा, और बेसिकली जो मोड ऑफ टीचिंग होगी भरसक मेरी कोशिश होगी कि इसे हिंदी में ही रखें। जैसे अभी मैं आपसे संवाद जिस तरीके से स्थापित कर रहा हूं, कमोबेश पूरे सिलेबस में हम लोग ऐसे ही आपस में बातें करेंगे सिलेबस से संबंधित। तो ये एक तरह से मैंने इसकी रिलेवेंस को शो किया आपके सामने कि आखिर जब इस सब्जेक्ट को आप उठाएंगे पढ़ने के लिए तो आपके मन मस्तिष्क में एग्जाम ओरिएंटेड कौन कौन सी बातें चलनी चाहिए। जाहिर सी बात है जैसे ही पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन आप रेफर करेंगे आपको इतना भान हो जाएगा कि प्रीलिम में हम यहां से 10 से 15 क्वेश्चन इजिली ले सकते हैं, और मेंस में कम से कम आप अगर दोनों का एक तरह से मेंस निकाले तो कह सकते हैं कि लगभग 100 नंबर का 100 मार्क्स की हमारी कैसमेंट यहां हो गई जनरल स्टडीज पेपर 2 में। ओके, तो ठीक है, अब हम लोग सीधे टॉपिक पे ही आते हैं, है ना। हैव अ लुक। यस, देखिए जी, जनरल स्टडीज के जितने भी सब्जेक्ट्स, आपको बता दूं उन सब में अगर देखा जाए कि सबसे आसान कोई सब्जेक्ट है तो निसंदेह मैं कहूंगा कि इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है। बड़े ही व्यवहारिक संदर्भ में आपको इस पे संकल्पना विकसित करनी है, तमाम ऐसे बिंदु आपके समक्ष आएंगे जो पढ़ने के साथ ही आपको आभास होने लगेगा कि ये तो हमारे इर्द गिर्द घटित होता है। अब जैसे मान लीजिए अगर राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो आप में से मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा जो राजनीतिक मामलों से अछूता हो। कुछ ना कुछ राजनीतिक जानकारी आपके पास जरूर होती है, वो भी कैसे, अगल बगल घट रही राजनीतिक घटनाओं के आधार पर। खैर, यही खासियत होती है मानविकी के विषय वस्तुओं की। देखिए, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले हम लोग इन दो शब्दों का मतलब समझते हैं, फिर बात कर लेंगे इंडियन पॉलिटी की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। बट अभी सिर्फ फ्लैट मैनर में पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझें। देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी शब्द पॉलिटी लिखा जाता है आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, सिविल सर्विसेज के सिलेबस के रिगार्डिंग, तो अक्सर आप पाते होंगे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, ऐसे करके लिखा होता है। या फिर आप यो कह लीजिए, चूंकि हमारे विषय वस्तु में इंडियन शब्द जोड़ा होता है क्योंकि भारतीय राज व्यवस्था व संविधान आपको पढ़ना होता है, वो अलग बात है कि बाहर के संविधानों से भी हमारे संविधान के कोरिलेटिव डायमेंशन से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, देखेंगे आगे की परिचर्चा में समझेंगे उसको। बट अभी देखा होगा आपने इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, तो मेरा कहने का लबुल वाब यही है कि आमतौर पर इन दोनों शब्दों को एक साथ हम रखते हैं, एक साथ जोड़कर संप्रेषित करते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं। ऐसा करने के पीछे एक खास वजह है। देखिए, आपको बताऊं, मूल रूप से अगर देखा जाए तो इन दोनों में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस दोनों के व्यवहार में फर्क है। व्यवहार इन सेंस, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि चलो साहब ये कुछ कंटेंट है आप इसे पढ़ो, आपने पढ़ के समझ लिया, ये एक बात हुई, और फिर मैं कहूं कि इसे आप व्यवहार में लाओ, ये दूसरी बात हुई। हां, लेकिन दूसरी बात कहां से जनित हो रही है, पैदा कहां से हो रही है, पहली बात से।
तो आपको नहीं लगता कि ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई पाई गई यहां पे? चलो एक और एग्जांपल लो, जैसे मान लीजिए आप अपने स्कूली दिनों में कमोबेश आप में से हर कोई किसी न किसी स्तर पे विज्ञान का विद्यार्थी रहा होगा, साइंस का स्टूडेंट रहा होगा। अक्सर आप देखे होंगे कि खास करके स्कूली दिनों में जब कभी भी फिजिक्स केमिस्ट्री या लाइफ साइंस की क्लासेस चलती थी लाइक बायोलॉजी वगैरह की, स्कूली दिनों पर कोई जूलॉजी और बॉटनी अलग अलग विषय वस्तु नहीं होते थे, बायोलॉजी अकेले बायोलॉजी के रूप में ही हम लोग लाइफ साइंस को कंसिडर करते थे। मान लीजिए आपने बायोलॉजी का कोई थ्योरेटिकल टॉपिक आपने पढ़ा, चूंकि क्लास में थ्योरी ही पढ़ाई जाती है, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर आपने कोई टॉपिक पढ़ा, सपोज लाइट से संबंधित कोई टॉपिक आपने फिजिक्स में पढ़ा, प्रकाश से संबंधित, आपको टीचर ने थ्योरी समझा दी, सारे फॉर्मूलास वगैरह आप आत्मसात कर लिए, लेकिन फिर आपने देखा होगा कि बीच बीच में आपकी प्रैक्टिकल की भी क्लासेस लगा करती थी। और प्रैक्टिकल की क्लासेस में आप क्या करते थे, जो क्लास के अंदर थ्योरी पढ़ाई गई होती थी उन्हीं थ्योरीज को फॉलो करते हुए उन थ्योरीज को व्यवहार में लाया जाता था, और उसी व्यवहारिक संदर्भ को क्या बोला गया, प्रैक्टिकल बोला गया। आपको बताऊं कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में कमोबेश वही संबंध होता है। जैसे किसी भी देश की अगर शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करना हो, राज व्यवस्था का संचालन करना हो, तो जाहिर सी बात है राज व्यवस्था के संचालन में इस्तेमाल होने वाले तमाम बिंदु कहीं ना कहीं संकलित होंगे, कोई ना कोई उनका स्रोत होगा जहां से उन बिंदुओं को ग्रहण किया जाता होगा और उसी को व्यवहारिक संदर्भ दिया जाता होगा। आपको बताऊं वही सोर्स संविधान होता है, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये एक तरह की थ्योरेटिकल एस्पेक्ट होता है, ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट होता है। और जब इसी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को अप्लाइड फॉर्म दिया जाता है यानी इसे व्यवहार में लाया जाता है, प्रैक्टिकल में लाया जाता है, तो यहीं पर पॉलिटी की संकल्पना आ जाती है। तो कहीं ना कहीं आप सीधे सीधे पाएंगे कि ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, यानी किसी भी देश का संविधान यह बतलाता है कि उस देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन आखिर किन बिंदुओं की बुनियाद पर होगा, और जब संचालन प्रारंभ हो जाता है तो उसी संचालन के दौरान जो कुछ भी आपको दिखता है बेसिकली वही आपकी राज व्यवस्था होती है। समझ रहे मेरी बात? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि किसी देश के संविधान में कुछ और लिखा है और उस देश की कार्यपालिका विधायिका या न्यायपालिका किसी अन्य तरीके से अपना काम कर रही है, ऐसा यह मुमकिन नहीं है। दिस इज द रीजन व्हाई द टू टर्म्स नेमली पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली टेकन टुगेदर, यही वजह है कि इन दो शब्दों को अक्सर एक साथ लेकर रखा जाता है, एक साथ इन्हें कंसिडर किया जाता है। अब अगर मान लीजिए कि मैं इसके पहले इंडियन शब्द जोड़ दूं, यानी इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, तब जाहिर सी बात है हम थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएंगे, हम इन जनरल ऑफ पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में भारत के संविधान की बात करेंगे और फिर उसी संविधान के व्यवहारिक उपयोग को क्या बोलेंगे, भारतीय राज व्यवस्था। यानी वास्तव में जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है वो है भारतीय संविधान व राज व्यवस्था, अथवा भारतीय राज व्यवस्था व संविधान। ओके, चलिए, ये तो मैंने आपको पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन दो शब्दों का तात्पर्य बताया कि दो शब्दों का अनौपचारिक रूप से हमें क्या मतलब निकालना चाहिए। अभी मैंने औपचारिक परिभाषा नहीं दी है आपके सामने, इसकी बात करेंगे औपचारिक परिभाषा की भी। एनीवे, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी इट इज ऑब्वियस दैट व्हेन दिस एस्पेक्ट इज केप्ट इनटू प्रैक्टिस इट सिंपली कल्मिनेट्स इनटू पॉलिटी। जैसे ही इस संदर्भ को हम व्यवहार में लाएंगे राज व्यवस्था वहीं जनित हो जाएगी, व्हेन पुट इनटू
प्रैक्टिस। ओके, अब अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन की आपकी समझ विकसित हो जाती है तो निसंदेह पॉलिटी पर भी आपकी समझ बन जाएगी, या फिर अगर आपने पॉलिटी की समझ विकसित कर ली तो कॉन्स्टिट्यूशन की भी समझ विकसित हो जाएगी। लेकिन दोनों में से आसान तरीका क्या होगा? अगर हम थ्योरी और प्रैक्टिकल की ही बात करें तो एक बार आप फिर अपने पीछे के दिनों में जाएं, स्कूल कॉलेज लाइफ के दिनों में, और जरा सोचिए पहले आपसे प्रैक्टिकल की कक्षाएं आपकी आयोजित कराई जाती और फिर प्रैक्टिकल के बाद थ्योरी की कक्षाएं होती, तो हो सकता है आपकी समझ शायद बेहतर विकसित हो जाती। लेकिन यह भी हो सकता है कि उसमें काफी विलंबन होता, क्योंकि प्रैक्टिकल के बाद फिर थ्योरी करना, क्योंकि हमारे यहाँ एक जनरल नॉर्म है, सामान्य सिद्धांत है कि पहले चीजों को पढ़ो, समझो और फिर व्यवहार में लाओ। तो बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में से पहले किसका मतलब जानना आपके लिए बेहतर होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का या पॉलिटी का? या फिर आप यो कह लीजिए कि भारतीय संविधान व राज व्यवस्था को समझने के लिए पहले आप भारतीय राज व्यवस्था को समझकर फिर संविधान को समझने का प्रयास करेंगे, या फिर पहले भारतीय संविधान समझेंगे तत्पश्चात भारतीय राज व्यवस्था, क्या होना चाहिए आपके अनुसार? देखिए जी, सिंपल सी बात है, जो तय परंपरा है मुझे लगता है कि उस परंपरा को नहीं तोड़ना चाहिए। पहले हमें कोशिश करनी चाहिए भारतीय संविधान की समझ विकसित करने की, और संविधान पर समझ विकसित हो जाती है तो निसंदेह राज व्यवस्था भी आप बखूबी समझ पाएंगे, है ना? तो देखते हैं भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलो जी, किसी भी देश का संविधान आखिर क्या क्या मायने प्रस्तुत करता है, थोड़ी देर के लिए आप इसे भूल जाइए शब्द इंडियन को, और सिंपली समझने का प्रयास करिए कॉन्स्टिट्यूशन। और मान लो चाहे किसी भी देश का संविधान हो, चाहे किसी भी राज व्यवस्था की हम बात कर रहे हो, अगर संविधान का निहितार्थ निकालें तो एक बात आप हमेशा पाएंगे कि यह एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है। डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज होता है, यानी प्रथम दृष्टया आपसे कोई पूछे कि यह संविधान कौन सी बला है तो सीधी सीधी आप बात करेंगे यह कोई कुर्सी टेबल नहीं है बल्कि एक तरह का दस्तावेज है। दस्तावेज समझ रहे हैं? दस्तावेज भले ना समझे, डॉक्यूमेंट्स तो आप सब लोग समझते होंगे। कई दफा आप अलग अलग विषय वस्तुओं के संदर्भ में भी डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के संदर्भ में जो भी कागजात होते हैं उनको भी आप डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, है ना? तो यह भी एक तरह का डॉक्यूमेंट है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस डॉक्यूमेंट में आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित कागजात होते हैं, या आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी या इकोनॉमी के नोट्स होते हैं? नहीं, इस डॉक्यूमेंट में ये सारे कागजात नहीं होते। फिर क्या होते हैं? इसके अंदर बेसिक गवर्निंग किसी देश के मूलभूत शासकीय सिद्धांत होते हैं। शासकीय सिद्धांत का मतलब आखिर देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किन नियमों के आधार पर होगा, किन बिंदुओं को अमल करके होगा, वो सारी बातें इस दस्तावेज के अंदर संकलित होती है। तो एक बात तो तय हो गई कि इसके अंदर राज व्यवस्था के संचालन में इस्तेमाल होने वाले मूलभूत शासकीय सिद्धांत होंगे। अब जाहिर सी बात है, जब देश की राज व्यवस्था के संचालन में इस्तेमाल होने वाले बिंदुओं को अगर इसके अंदर समाहित किया गया हो तो निसंदेह यह डॉक्यूमेंट अन्य डॉक्यूमेंट्स की तुलना में, यह दस्तावेज अन्य दस्तावेजों की तुलना में ज्यादा अहमियत रखेगा, है ना? इसीलिए हमेशा हमेशा आप ध्यान रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन रूपी डॉक्यूमेंट को, संविधान रूपी दस्तावेज को हमेशा हम लोग वैधानिक रूप से प्रमाणित दस्तावेज करार देते हैं। कैसा दस्तावेज? वैधानिक रूप से प्रमाणित, लीगली सैंक्टिफाइड डॉक्यूमेंट।
यानी वैधानिक रूप से प्रमाणित दस्तावेज। यानी एक बात तय हो गई कि यह दस्तावेज अन्य दस्तावेजों की तरह नहीं है, इस दस्तावेज की अपनी एक वैधानिक मान्यता है, एक वैधानिक प्रमाणिकता है। तो देखिए जी, अब तक हम लोग दो बातें समझ पाए हैं संविधान के संदर्भ में, और देखो अभी हम जो भी बात कर रहे हैं यह हर देश के संविधान के साथ लागू होगा। ऐसा नहीं कि केवल भारतीय संविधान ही वैधानिक रूप से प्रमाणित दस्तावेज होगा, केवल भारतीय संविधान में ही भारतीय राज व्यवस्था को संचालित करने वाले तमाम बिंदु संकलित होंगे, ऐसा नहीं, यह हर देश के संविधान के साथ होगा। एक्स वाई जेड कोई भी देश हो, अगर उस देश के परिप्रेक्ष्य में उसके संविधान का आप अवलोकन करेंगे तो यही पाएंगे कि उस देश का संविधान क्या है, उस देश का वैधानिक मान्यता प्राप्त एक दस्तावेज है, और उस दस्तावेज के अंदर हर वो बातें उल्लेखित है जिनकी बुनियाद पर संबंधित देश की राज व्यवस्था का संचालन होता है या होगा या होने वाला है। जैसा हो, क्योंकि संविधान कार्यरत है तो जाहिर सी बात है राज व्यवस्था का संचालन जारी होगा। एनीवे, संविधान को लेकर और इसकी क्या अहमियत हो सकती है, आप ध्यान रखेंगे, संविधान को हर हमेशा देश की सर्वोच्च विधि का दर्जा दिया जाता है ना, मींस अ कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, है ना। जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन की एक अवधारणा है लाइक ऑर्डिनरी लॉ, और यू कैन से बेसिक लॉ, नॉट ऑर्डिनरी लॉ, आई एम सॉरी, बेसिक लॉ। तो यहां बेसिक लॉ का मतलब यह नहीं होगा कि सबसे कमजोर लॉ, बेसिक लॉ का मतलब द लॉ विच प्रोवाइड्स व्हाट फाउंडेशन टू द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज। तो यहां फाउंडेशन का मतलब सुप्रीमेसी को दर्शाता है, इसके बिगिनिंग फेज को नहीं दर्शाता, इसकी कमजोरी को नहीं दर्शाता, भले वहां पर बोला गया है बेसिक लॉ जर्मन्स फिनोमिना में, जर्मन्स कॉन्टेक्स्ट में, बट चाहे इंडियन कॉन्टेक्स्ट हो या यूएस कॉन्टेक्स्ट हो या कहीं भी दूसरे देश में, जब कभी भी बात संविधान की होती है तो संविधान को हमेशा देश की सर्वोच्च विधि करार दिया जाता है, मीन्स सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। फंडामेंटल और सुप्रीम लॉ, ऑफ द लैंड, यहां लैंड का तात्पर्य देश से है, यानी देश की सर्वोच्च विधि, संविधान को देश की सर्वोच्च विधि करार दिया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि यहां सर्वोच्च विधि से तात्पर्य क्या है, व्हाट इज मीन बाय द फैक्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड और द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। सी, यहां मतलब यह हुआ कि देश के अंदर जब कभी भी किसी नई विधि का सृजन किया जाएगा, जब कोई नई विधि निर्मित की जाएगी, तो विधि निर्माण के दौरान इस बात का ध्यान रखना होगा कि वह विधि किसी भी तरीके से संविधान, यहां संविधान का तात्पर्य संविधान में वर्णित उपबंधों से है, यानी संविधान में वर्णित उपबंधों से असाम्यता ना रखे, विविधता ना रखे, भेद ना रखे। अगर किसी भी तरह का विभेद पाया जाता है तब उस स्थिति में उस विधि को निरस्त कर दिया जाएगा। अब जाहिर सी बात है किसी भी विधि का एक तरह से जो ग्रेविटी टेस्ट है वो मूलतः संवैधानिक उपबंधों की बुनियाद पर किया जा रहा है, यानी टेस्ट करने का जो पैरामीटर्स है वो संविधान है, तो निसंदेह संविधान को सर्वोच्च विधि बोलेंगे ना। अगर यह होता कि संविधान में कही गई बातों को ताक पे रखते हुए अगर किसी विधि को वरीयता दे दी जाती तब आप बोलते कि हां साहब संविधान सर्वोच्च विधि नहीं हुआ, इसको तो सुपरसीड कर गई कोई दूसरी विधि, लेकिन ऐसा होता नहीं है, संविधान को सुपरसीड करने वाली कोई विधि नहीं होती। और देश के अंदर विधि निर्माण की जिम्मेदारी किसके पास होती है, कौन सी विधि निर्मात्री संस्था है, विधायिका है। तो कहने का मतलब कि विधायिका जब कभी भी विधि निर्माण का काम करेगी उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसके द्वारा बनाई जा रही विधि किसी भी तरीके से संवैधानिक उपबंधों को चुनौती पेश ना करे, क्योंकि अगर चुनौती पेश करेगी तो उस स्थिति में उस विधि का निरस्तीकरण मुमकिन है, उसका निरस्त होना लाजिमी है। तो निसंदेह इतनी बातों से आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों किसी देश का संविधान संबंधित देश के अंदर सर्वोच्च विधि का दर्जा प्राप्त किया होता है, सिंपल सी यही वजह है।
कि कोई भी दूसरी विधि इसको चुनौती नहीं दे सकती। कोई भी विधि अपने अस्तित्व में तभी तक बनी रहेगी जब तक वह संविधान में वर्णित उपबंधों के साथ तालमेल बैठाती रहेगी, संविधान में वर्णित उपबंधों के सापेक्ष भूमिका का निर्वहन करेगी, इसका विरोध नहीं करेगी, इसमें कही गई बातों से असंगति या विसंगति नहीं रखेगी। इनकंसिस्टेंसी की स्थिति में उस विधि को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। नजरअंदाज का तात्पर्य यहां से दरकिनार कर दिया जाएगा। तो इतनी बातों से कम यह तो सुस्पष्ट हो गया होगा कि क्यों संविधान को सर्वोच्च विधि बोला गया है, यानी इससे बड़ी देश में कोई विधि नहीं होती। दूसरी बात देखो जी, चाहे किसी भी देश का संविधान हो, जब आप उस संविधान का अध्ययन करते हैं, उसके बारे में जानने समझने का प्रयास करते हैं, तो आपको यह बखूबी पता चल पाता है कि आखिर उस देश के अंदर संस्थागत स्वरूप कैसा है, उस देश की राज व्यवस्था की प्रकृति कैसी है। क्योंकि आपको पहले ही मैंने बताया था, जब संविधान व राज व्यवस्था का मतलब आपको बता रहा था वही प्रैक्टिकल और थ्योरी का एग्जाम्पल देकर, तब भी आपने महसूस किया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो सारी बातें होती है जो राज व्यवस्था के संचालन में इस्तेमाल होती है। तो निसंदेह अगर संविधान का आप अध्ययन करते हैं तो ये जान पाएंगे कि भाई जिस देश का हम संविधान पढ़ रहे हैं उस देश की राज व्यवस्था की प्रकृति कैसी है, उस देश की राज व्यवस्था के संचालन में इस्तेमाल होने वाले कौन कौन से संस्थान हैं, यानी देश का संस्थागत स्वरूप किस प्रकार का है, है ना। अगर मान लीजिए कहीं पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कहीं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, कहीं पर दूसरे प्रकार की लाइक मोनार्की वगैरह एग्जिस्ट कर रही है। ऐसा नहीं, मोनार्की भी जहां होती है वहां भी कोई ना कोई संविधान होता है, बट हमारी कंसर्न यहां उन संविधानों की नहीं है। आगे चलकर हम स्विच करेंगे, डेमोक्रेटिक वर्सेस नॉन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए आप इतना समझें कि संविधान हमें सब कुछ बतला देता है कि आखिर देश की राज व्यवस्था की प्रकृति कैसी है, सरकार के जो तमाम तीनों अंग हैं, तमाम क्या मतलब तीन अंग, तीन ही अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, सरकार के इन तीनों अंगों में शक्तियों का सामंजस्य कैसा है, किस तरह से इनके बीच शक्ति पृथक्करण को अंजाम दिया गया है, आखिर किस कोऑर्डिनेशन की बुनियाद पर ये तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, क्योंकि सरकार के तीनों अंगों का जो कोऑर्डिनेशन होगा शासन के अलग अलग स्वरूप में उसमें बदलाव देखने को मिलता है। जैसे देश के अंदर अगर मान लीजिए अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था हो, यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो वहां पर सरकार के तीनों अंगों की कार्यप्रणाली में, इनके कोऑर्डिनेशन में कुछ अलग संदर्भ आप पाएंगे। अगर वही बात पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की हो जैसे हमारे यहां है, अगेन यहां पर सरकार के तीनों अंगों के सापेक्ष अगर शक्तियों का पृथक्करण देखें, इनकी कार्यप्रणाली देखें, तो अध्यक्षीय प्रकार की तुलना में थोड़ा सा आपको अलगाव दिखेगा। हां, लेकिन इतना है कि कहां कैसा दिखेगा उस देश का संविधान आपको जरूर बता देगा। अब अमेरिका का संविधान पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात तो नहीं कर रहा होगा ना, वो किसकी बात करेगा, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। भारत का संविधान किसकी बात करेगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। तो कम से कम इन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स के बारे में आपको जानकारी कहां से मिली, निसंदेह उस देश के संविधान को रेफर करने से, उस देश के संविधान को समझने से। ओके, चलिए देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन यह भी बतलाता है कि देश के या देश की सरकार के जो तीनों ऑर्गन्स हैं लाइक विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका, इन्हें किस किस अनुपात में शक्तियां दी गई है। भारत का संविधान इंडियन गवर्नमेंट की शक्तियों की बात करेगा, इंडियन गवर्नमेंट के अंदर तीनों ऑर्गन्स की। इंग्लैंड का संविधान, इंग्लैंड के अंदर जो गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन्स हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, बतलाएगा किसके पास ज्यादा शक्तियां हैं। वैसे मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अगर बात इंग्लैंड की हो तो उसका संविधान आपको सीधे सीधे बताएगा कि विधायिका को सर्वोच्च शक्तियां प्राप्त है, उसके बाद न्यायपालिका, देन कार्यपालिका। लेकिन जैसे ही आप भारतीय संविधान को रेफर करेंगे आप यह सीधे सीधे जान पाएंगे कि यहां पर न्यायपालिका को सर्वोच्च शक्तियां प्राप्त है, उसके बाद विधायिका कार्यपालिका की बात होती है। विधायिका व कार्यपालिका में चूंकि हमारे यहां शक्ति पृथक्करण करना काफी मुश्किल होता है, बड़ा ही पार्शियल डिफरेंस है दोनों में,
तो इसलिए हम कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं बोल पाते हैं कि हमारे यहां कार्यपालिका मजबूत की विधायिका मजबूत। हां, लेकिन वही अगर अमेरिकी संविधान की बात करें तो वहां कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा कि न्यायपालिका के बाद अगर दूसरे नंबर पे कोई आ रहा है तो वहां पर कार्यपालिका आती है, विधायिका थोड़ी कमजोर स्थिति में वहां हो जाती है। तो कहने का मतलब कि संबंधित देश का संविधान ही हमें बतलाएगा कि इस देश के सरकार के जो तीनों ऑर्गन्स हैं, तीनों अंग हैं, आखिर उन तीनों अंगों के मध्य शक्तियों का किस किस अनुपात में विभाजन किया गया है। तो ये आपका संदर्भ रहा संविधान को लेकर, यानी संविधान ये सारी चीजें हमें बतलाता है। तो एक बार मोटे तौर पे जो तीन चार पॉइंट हम लोगों ने यहां से कलेक्ट किया है टर्म कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी संविधान नामक शब्द से, जिसे आपको हमेशा अपनी जेहन में रखना होगा, मैं यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना। पहली बात, पॉइंट नंबर वन ध्यान रखेंगे, इट इज अ लीगली सैंक्टिफाइड डॉक्यूमेंट। यानी यह वैधानिक रूप से प्रमाणित एक प्रकार का दस्तावेज होता है। दूसरी बात आप यहां ध्यान रखेंगे, क्या होता है संविधान के अंदर, अभी हम लोग उसी पर चर्चा कर रहे थे, मैं आपकी तरफ से जानना चाहूंगा। हां, देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले बिंदु होते हैं, मींस हियर यू विल फाइंड द बेसिक गवर्निंग प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट, द बेसिक गवर्निंग प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट। देखिए जी, यहां जहां कहीं भी अगर मैं आपको पढ़ाते समय फ्रेज द स्टेट का इस्तेमाल करूं तो आप समझना कि मेरा तात्पर्य देश से है, अगर अ स्टेट इस्तेमाल करूं तो समझना कैसे हिंदुस्तान के जो तमाम 29 राज्य हैं, तो अ स्टेट का मतलब किसी न किसी राज्य की बात हो रही है, लेकिन द स्टेट की बात हो तो आप समझना देश की बात हो रही है। इसीलिए कई दफा आपको कंफ्यूजन ना हो, मैंने द स्टेट के स्थान पे पहले अभी आज ही के लेक्चर में मैंने कंट्री कंट्री शब्द का इस्तेमाल किया है, देश का। एनीवे, जब आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड में मूव करेंगे, जब आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में पढ़ेंगे तो वहां समझेंगे कि स्टेट का मतलब क्या होता है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में आप द स्टेट का मतलब देश से मानेंगे, आगे चलकर देखेंगे हम लोग जब खास करके फंडामेंटल राइट्स में मूव करेंगे तो वहां पर अगेन राज्य का मतलब थोड़ा बदल जाएगा, खास करके मौलिक अधिकारों के संदर्भ में अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य का मतलब क्या होता है वो हम लोग समझेंगे, और उस मतलब का कहां कहां इस्तेमाल करना है ये भी हम लोग जानेंगे। बट फिलहाल के लिए आप इतना समझें कि जहां भी द स्टेट मैं यूज करूं या राज्य इस्तेमाल करूं कि राज्य के मूलभूत शासकीय सिद्धांत, तो समझना कि मैं देश की बात कर रहा हूं, है ना। हिंदी में अगर राज्य बोलूं तो देश समझना, द स्टेट बोलूं तो अगेन देश समझना, अगर अंग्रेजी में अ स्टेट लिखूं तो समझना कि प्रोविंसेस की बात कर रहा हूं, प्रांतों की बात कर रहा हूं, ठीक है। चलो जी, तो ये दो पॉइंट मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे सहेज लिए होंगे। यह वैधानिक रूप से प्रमाणित एक दस्तावेज होता है, इस दस्तावेज में क्या होते हैं, देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को रेगुलेट करने वाले, गवर्न करने वाले, रन कराने वाले बिंदु समाहित होते हैं, प्रिंसिपल समाहित होते हैं।
तीसरी महत्वपूर्ण बात, संविधान हमें यह भी बतलाता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ पॉलिटी एग्जिस्टेड इन द कंट्री और व्हाट इज द नेचर ऑफ पॉलिटी एग्जिस्टेड इन द स्टेट। इट टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ पॉलिटी एग्जिस्टेड। इसको कट कर लो, सीधे लिख लो, द नेचर ऑफ पॉलिटी एग्जिस्टेड, द नेचर ऑफ पॉलिटी एग्जिस्टेड, यानी जो उपस्थित राज व्यवस्था है उस देश की राज व्यवस्था की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, यह हमें संविधान ही बतलाता है। आगे हम लोग समझेंगे कि किसी भी राज व्यवस्था की आखिर किस किस तरह की प्रकृतियां हो सकती है और हम समझेंगे कि उन प्रकृतियों में आखिर राज व्यवस्था की एकात्मक प्रकृति का क्या तात्पर्य है, संघात्मक प्रकृति का क्या तात्पर्य है और अर्धसंघात्मकता का क्या मतलब होता है, यानी यूनिटरी मोड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, फेडरल मोड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एंड अगेन क्वासाई फेडरल मोड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। खैर, द नेचर ऑफ पॉलिटी एग्जिस्टेड यानी राज व्यवस्था की प्रकृति का जायजा आप ले सकते हैं संविधान के माध्यम से। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो प्रकृति संविधान की होगी वही प्रकृति उस देश की राज व्यवस्था की भी होगी, क्योंकि मौलिक रूप से दोनों में कोई बहुत फर्क नहीं है। इनफैक्ट आप कह लो कि मौलिक अंतर है ही नहीं, केवल व्यवहारिक अंतर है, स्वरूपों में बस अंतर है, वास्तव में ये दोनों एक ही है। एक बस आप कह लीजिए सैद्धांतिक संकल्पना होती है, दूसरी व्यवहारिक संकल्पना होती है, संकल्पना एक ही है। अगर किसी एक संकल्पना का हम एक तरफ उसके सैद्धांतिक स्वरूप की बात करें और दूसरी तरफ व्यवहारिक स्वरूप की, तो ध्यान रखना सैद्धांतिक स्वरूप ही संविधान हुआ और व्यवहारिक स्वरूप राजव्यवस्था हुई, है ना। तो देखिए, राजव्यवस्था की प्रकृति के बारे में हमें संविधान बता दिया, यह भी बतलाएगा द एक्सटेंट ऑफ द पावर्स, to be enjoyed by the different organs of the government, यानी सरकार के विभिन्न अंगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली शक्तियों की सीमा, यह भी हमें संविधान के माध्यम से पता चलेगा। यानी सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों की सीमा क्या होगी, यह हमें संविधान से ही मालूम पड़ेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि संविधान अपने आप में संबंधित देश के बारे में हमें तमाम जानकारियां देता है, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें ध्यान रहेगी। अब मैं अगले फेसिट में मूव करूंगा, उस फेसिट को आप नोट करेंगे, संविधान व संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, है ना। यहां से विगत 3-4 वर्षों में खास करके अगर स्टेट पीएससी की बात मैं करूं, राज्य सिविल सेवा, वहां मुख्य परीक्षाओं में यहां से सवाल बने हैं और आईएएस मेंस में भी अक्सर यहां से संभावना बनी रहती है सवाल बनने की। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, हाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के संदर्भ में जरूर आपसे सवाल पूछे जाएंगे, बट कॉन्स्टिट्यूशन कहते किसे हैं आपको नहीं लगता कि ये जानना चाहिए। जैसा मैंने शुरू में ही आपसे कमिटमेंट किया कि बिल्कुल हम लोग बेसिक लेवल से अपनी चर्चा को प्रारंभ करेंगे और इसे एकदम से कंटेम्प्ररी लेवल पर लाएंगे, वर्तमान में चीजें क्या चल रही है, किस स्तर पे चल रही है, इन्हें समझने का प्रयास करेंगे टॉपिक टू टॉपिक। अभी आप यो समझ लीजिए कि पॉलिटी का आपका बेसिक डायमेंशन अभी शुरू हुआ है, जिसमें हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं, यू नो, वेयर अबाउट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
whereabouts of polity, and more precisely you can say whereabouts of Indian polity and constitution. एक तरह से भारतीय राज्य व्यवस्था व संविधान के बारे में एक जायजा ले रहे हैं अभी हम लोग. धीरे धीरे टॉपिक पे मूव करेंगे जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ेगा, है ना. हम यहां पर बेसिकली किसी बुकिस सिलेबस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिविल सर्विसेज प्री व मेंस में जो जो टॉपिक्स हैं, जहां जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सारे रिलेवेंट टॉपिक्स को हम लोग कैटर करेंगे यहां. ओके, गुड मॉर्निंग. आप लोगों ने 18वीं शताब्दी के जो डायमेंशंस हैं उस पर पिछले क्लासेस में देखा, और कल हमने चर्चा किया था, कल की क्लास में चर्चा किया था कि बंगाल में ब्रिटिश शक्ति का विकास. आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे. कल हमने बंगाल में जो ब्रिटिश शक्ति का विकास बताया था, तो उस समय आपको सिराजुद्दौला से लेकर के नजबुद्दौला तक, नजबुद्दौला के बारे में आपको एक संक्षिप्त रूप में जो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से था, वो सारी बातों को हमने डिस्कस किया था. आज हम लोग चर्चा करेंगे, पहले प्लासी और बक्सर को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, और फिर द्वैध शासन को देखेंगे, और फिर बंगाल के बाद जो है अवध में कैसे ब्रिटिश शक्ति का विकास हुआ उसकी चर्चा करेंगे. तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहले प्लासी के युद्ध पे, कि कैसे मेंस में सवाल पूछा जा सकता है. यहीं से वो लॉन्चिंग पॉइंट है. हो सकता है कि आपका जो पीसीएस मेंस होने जा रहा है 2018 में, हो सकता है कि यहीं से सवाल उठा करके पूछ ले. जैसे प्लासी पे हम कुछ प्रश्नों की चर्चा करें, जैसे अगर आप देखें पहला प्रश्न है कि प्लासी एक विश्वासघात था, एक धोखा था या एक विश्वासघात था. दूसरी चीज टिप्पणी करने के लिए आ गया इस पे 250 वर्ड या 200 वर्ड. प्लासी के पश्चात अंग्रेज या ब्रिटिशर्स मुस्लिम जगत के की सबसे बड़ी शक्ति बने, कि सबसे बड़ी शक्ति बन गए. टिप्पणी करें. अभी हम लोग देखेंगे कैसे टेकअप करना है. बन गए. तीसरा सवाल, एक को सिंपल सा पूछा जा सकता है कि प्लासी के युद्ध के कारण और परिणामों की चर्चा करें. कारण एवं परिणामों की चर्चा करें. ये 2-3 सवाल है जो आपसे प्लासी पे डायरेक्टली पूछा जा सकता है. अगर हम एक एक सवाल को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा करें कि कैसे इसको लिखना है. जैसे जो तीसरा सवाल है, अगर हम जो प्लासी क्वेश्चन नंबर 3 है, जो सबसे सीधे आसान सा दिख रहा है, कि प्लासी के युद्ध के कारण और परिणाम और परिणाम
मान लीजिए अगर ये आ गया प्लासी के युद्ध के कारण और परिणाम की विवेचना करें, तो निश्चित रूप से इस प्रश्न के क्लियर कट दो सेगमेंट हैं, एक कारण का सेगमेंट है और एक परिणाम का सेगमेंट है। हमें कारण पे कम से कम डिवाइड कर लिया जाए कि कारण को, कारण का जो सेगमेंट है वो 100 से 125 वर्ड लिखना है और परिणाम को लगभग 100 वर्ड के आसपास लिखना है। जब हमने इस तरह से डिसाइड कर लिया तो निश्चित रूप से 100-100 वर्ड अगर हमने कारण और परिणाम को लिखा, या ऐसा कोई फिक्स स्केल नहीं है कि आप एकदम बराबर बराबर ही लिखें, एक मोटी तौर पर बराबर फोकस करने का, एक से अगर क्वेश्चन का दो सेगमेंट है तो दोनों सेगमेंट पे हम बेहतर ढंग से कर सकें, इसलिए हमें कारण और जो परिणाम है उस पर को बराबर बराबर लिखना चाहिए। तो 100-100 शब्द हमने लिख लिया, बाकी 50-60 शब्द हमने इंट्रो के लिए रख लिया, या 90-90 शब्द लिखा, 30-40 शब्द इंट्रो और कंक्लूजन के लिए लिखा। ये आपका अपना जो प्लान है वो दो भागों में डिवाइड कर लेने की जरूरत है। अब कारण की चर्चा आप देखिए, कल क्लास में हमने चर्चा किया था, सीधे कारण की बात वहां से करेंगे, सप्तवर्षीय युद्ध से करेंगे, सप्तवर्षीय युद्ध से करेंगे। और सप्तवर्षीय युद्ध से करने के पश्चात आप ले आएंगे, हल्की सी चर्चा करेंगे, अलीनगर की संधि करेंगे, और अलीनगर की संधि की चर्चा करने के बाद षड्यंत्र की चर्चा करेंगे, षड्यंत्र की चर्चा करेंगे। ये माइलस्टोन है, फैक्ट के से ज्यादा कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चर्चा करनी होगी यहाँ पे, क्लियर है। ये 1756 का था, और अगर आप ये तीन सेगमेंट में अगर आपने बांट लिया तो जाहिर सी बात है एक एक सेगमेंट पे 25-25, 30-30 शब्द आप लिख सकते हैं। यानी साइंटिफिकली उसको सोचिए कि आप कैसे कैसे क्वेश्चन कैसे आंसर को आपको ड्राफ्ट करना है, क्लियर। और उसके बाद जब हम लोग परिणाम की चर्चा करेंगे, और आपको बता दें कि जब भी आप परिणाम या कारण को सोचिए तो आप एक दिमाग में ये भी डिवीजन रख सकते हैं कि इकोनॉमिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए, राजनीतिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए, क्लियर है, या सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए, इस तरह का भी डिवीजन किया जा सकता है। तो परिणाम में हम लोग तात्कालिक रूप से जो राजनीतिक परिणाम है उसको देखेंगे, राजनीतिक स्तर पर परिणाम देखेंगे, और फिर देखेंगे कि आर्थिक स्तर पर इकोनॉमिक कैसे रूपांतरण हुआ, इसकी चर्चा करेंगे, राइट। तो इस अगर दो सेगमेंट में सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर तो कोई खास परिवर्तन नहीं दिखाई देता है हमको, लेकिन अगर हम राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर परिवर्तन को दो सेगमेंट में देख लें तो आपका जो आंसर राइटिंग होगी वो आसान होगी। अब आप देखिए कि इस पूरे क्वेश्चन को हमने क्या कर लिया, सेगमेंट डिवाइड कर लिया कारण और परिणाम को, और एक प्लान बना लिया कि हमें किस टॉपिक पे कितना लिखना है। और बाकी रही बात इंट्रो की, तो हम इंट्रोडक्शन में सीधे सीधे इस बात को लिख सकते हैं कि प्लासी का युद्ध, ऐसे भी लिखा जा सकता है अगर आपको एग्जैक्ट डेट पता है कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और ब्रिटिशों के बीच हुआ, यह 18वीं शताब्दी के निर्णायक युद्धों में से एक माना जाता है जिसने ब्रिटिशों के उपनिवेश या औपनिवेशिक साम्राज्य की आधारशिला लिखी। इसके निम्नलिखित कारण थे, राइट। याद रखिएगा, बहुत सारे लोग आपको फोकस करते हैं कि आप पॉइंट वाइज लिखें, लेकिन आप लिख सकते हो, मैंने पहले भी कहा था, लेकिन बेहतर जो बेस्ट ऑप्शन सिविल के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है वो ये होता है कि आप किस तरह से उसको पैराग्राफ वाइज लिखें, और हर पैराग्राफ आपका इंटरकनेक्टिव होना चाहिए, क्लियर है। तो जो प्लासी का, तो अब आपने इंट्रो लिख दिया इस बात को, और फिर आप पैराग्राफ लिखेंगे कि प्लासी के युद्ध के जो कारण की जो शुरुआत है सप्तवर्षीय युद्ध से देखी जा सकती है, 1756 में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ, और उसके पश्चात बंगाल में ये दोनों शक्तियां दुर्गबंदी करने लगी, जिसके खिलाफ सिराजुद्दौला ने आदेश दिया। फ्रांसीसियों ने तो दुर्गबंदी रोक दी, लेकिन ब्रिटिशों ने दुर्गीकरण को जारी रखा, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप, अगर आपको डेट याद है तो अच्छी बात है,
डेट की बहुत आवश्यकता नहीं आप इससे, क्योंकि जब आप एग्जाम में लिखोगे तो वो सारे डेट याद नहीं रहेंगे। आप लिखेंगे कि सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर और कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया, ब्रिटिशों को बाहर जाने से के लिए बाहर जाने पर मजबूर किया, और इसके पश्चात क्लाइव जो कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अर्काट का विजेता था, क्लाइव आया और क्लाइव ने, यद्यपि सिराजुद्दौला ने क्लाइव से अलीनगर की संधि के द्वारा उसे समस्त अधिकार, युद्ध के पूर्व के समस्त अधिकार उसे प्रदान कर दिए, फिर भी उसने नवाब के अधिकारियों के साथ मिलकर के एक षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र में मीर जाफर फला 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 जो चारों नाम है, यार लुत्फ खान, राय दुर्लभ है ना, और ओमी चंद, उन सब की चर्चा करेंगे। और यहाँ पे आराम से वो 125 वर्ड्स या 100 वर्ड्स के आसपास आ जाएगा। क्लियर है? अब आप चर्चा करेंगे कि यदि हम प्लासी के युद्ध के परिणामों की अगर चर्चा करें तो निश्चित रूप से प्लासी के युद्ध के निम्नलिखित परिणाम हुए, और उन परिणामों पर अगर करें तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो राजनीतिक रूप से जो परिणाम होगा वो क्या होगा, राजनीतिक परिणाम ये होगा कि मीर जाफर बंगाल का नवाब बनेगा। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, और आप ये कहेंगे कि यह नवाब कठपुतली नवाब था, पपेट नवाब था, कठपुतली नवाब था, और इसने क्या किया कि ब्रिटिशों को 24 परगना, ब्रिटिशों को 24 परगना का क्षेत्र दिया और व्यक्तिगत उपहार भी दिए, और व्यक्तिगत उपहार भी दिए है ना, उपहार भी दिए। आप चाहो तो इस कॉन्सेप्ट को भी लिख दिया जाए, लिख सकते हैं यहाँ पे कि यदि सूक्ष्मता से देखा जाए तो ब्रिटिशों ने प्रत्यक्ष शासन इसलिए नहीं लिया क्योंकि अभी भी वो मुगल दरबार के या मुगल बादशाह के हस्तक्षेप से डरते थे। तो ये 50-60 शब्द हुआ। और यदि आर्थिक क्षेत्र से अगर आप देखेंगे तो आर्थिक रूप से प्लासी के बाद ही भारतीयों का जो है क्या कहते हैं शोषण शुरू हुआ, और यहाँ से ब्रिटिशों ने अवैध तरीके से राजस्व वसूल करके, राजस्व ले करके, अवैध व्यापार के द्वारा बहुत सारा जो धन है वो भेजा, कहाँ पे, यूरोप भेजा। और धन की निकासी की जो प्रक्रिया आपको दिखाई देती है वो 1757 से ही शुरू हो जाती है। दूसरी बात, अब तक जो ब्रिटिश कंपनी थी या यूरोपीय कंपनी थी वो व्यापार करने के लिए अब यूरोप से धन ले आती थी, लेकिन अब प्लासी के बाद क्या होगा कि भारत से ही वो धन वसूल करके, उसी से व्यापार करके, और उसी का जो लाभांश है यूरोप भेज दिया गया। यानी कुल मिलाकर के भारत में पैसा फिर नहीं आया, और जो व्यापारिक यूरोपीय कंपनियों का जो व्यापारिक संतुलन था वो संतुलन जो है वो क्या हो गया, प्लासी के बाद से परिवर्तित होता चला गया। राइट, इतनी की अगर आप चर्चा कर दें, बाकी सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर तो प्लासी ने कोई खास परिवर्तन नहीं डाला, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इन राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों ने अंततः औपनिवेशिक सत्ता की आधारशिला तो रखी ही रखी। राइट, तो आप कारण लिख लिया, परिणाम लिख लिया, लास्ट में आपने परिणाम के साथ निष्कर्ष लिखा कि किस तरह से प्लासी का जो युद्ध था उस प्लासी के युद्ध ने ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता की नींव रखी। क्लियर हो गई बात? तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 की ड्राफ्टिंग रही। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे दूसरा जो सवाल हमने आपको बताया कि प्लासी के पश्चात, इसकी चर्चा किया अभी हमने, प्लासी के पश्चात अंग्रेज मुस्लिम जगत की सबसे बड़ी शक्ति बन गए। अब सवाल इस बात का है कि क्या इस बात से आप सहमत होंगे? तो हम पहली बात आपको बताएं कि यह जो मूल्यांकन है वो साम्राज्यवादी मूल्यांकन है, इम्पीरियलिस्टिक मूल्यांकन है, साम्राज्यवादी मूल्यांकन है। और आप जानते हो कि जो साम्राज्यवादी मूल्यांकन हो है, हमने पहले भी आपको साम्राज्यवादी इतिहास लेखन बताया था कि हम ऐसे किसी भी मूल्यांकन से क्या होंगे, सहमत नहीं होंगे, है ना। क्लियर है? अब दूसरी बात,
कि जैसे प्लासी के पश्चात अंग्रेज मुस्लिम जगत की सबसे बड़ी शक्ति बन गए, अगर आप इसका मूल्यांकन करें तो जाहिर सी बात है ये एक तरह से एग्रीगेट हाइपर इवेल्युएशन है प्लासी के युद्ध का। क्लियर है? क्यों? क्योंकि अगर आप देखें ये ब्रिटिशों का दावा है, यानी इसकी शुरुआत अगर हम करेंगे तो सिर्फ यही करेंगे कि ब्रिटिशों ने प्लासी के युद्ध को के संदर्भ में यह दावा किया है कि उसके बाद वे मुस्लिम जगत की सबसे बड़ी शक्ति बन गए। लेकिन यदि सूक्ष्मता से इस बात का मूल्यांकन किया जाए तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं था। और अगर आप इसके अगेंस्ट में तर्क देंगे तो आप देखिए कि मुस्लिम जगत की तो बात ही छोड़ दी है, मुस्लिम जगत तो इंडिया से बाहर भी था, तत्कालीन भारत की भी इस प्रमुख शक्ति नहीं बने। क्यों? क्योंकि अभी बंगाल के जस्ट बगल में अवध का नवाब था, मुगल बादशाह था, हैदराबाद में अगर आप देखेंगे तो निजाम था, है ना? तो कम से कम मुस्लिम जगत में कई ऐसी मुस्लिम ताकतें थीं जहां अभी अब जो स्वतंत्र थीं, और उनके रहते हुए ब्रिटिशों ने प्लासी के युद्ध के आधार पर अगर यह दावा किया कि वे मुस्लिम जगत की सबसे बड़ी शक्ति बन गए तो यह तार्किक नहीं लगता है। क्लियर है? तो और वैसे भी प्लासी का युद्ध आप देखेंगे तो कि प्लासी का युद्ध धोखा था, यह वास्तविक युद्ध था ही नहीं। तो निश्चित रूप से प्लासी का जो यह मूल्यांकन किया गया वो क्या था? अतिवादी मूल्यांकन था। और इस बात से सहमत होना कठिन है या इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि प्लासी के पश्चात अंग्रेज मुस्लिम जगत की सबसे बड़ी शक्ति बन गए। क्लियर है? राइट? तो यहां ये अप्रोच आपको डेवलप करने की जरूरत है, ये लाइन पकड़ने की जरूरत है। दूसरी ये कि क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं कि प्लासी एक धोखा था, टिप्पणी करिए। जाहिर सी बात है इसको लोगों के लिए या बच्चों के लिए बहुत आसान सा ये मामला है कि प्लासी एक वास्तविक युद्ध नहीं था, प्लासी एक छद्म युद्ध था। तो जाहिर सी बात है इसके अदर डायमेंशंस को थोड़ा सा और इंक्लूड कर लीजिए, आपका जो आंसर राइटिंग की जो ड्राफ्टिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो कैसे इस बात की शुरुआत करेंगे? क्लियर? तो हम लोग वैसे ही इंट्रो करेंगे कि प्लासी का युद्ध, अगर आपको डेट पता है तो अच्छी बात है, या कम से कम आप ऐसे लिख सकते हैं कि प्लासी का युद्ध 18वीं शताब्दी के उन युद्धों में से एक था जिसने औपनिवेशिक सत्ता की नींव रखी। या आप एक दूसरा इंट्रो ऐसे लिख सकते हैं कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और ब्रिटिशों के बीच में हुआ। क्लियर है? ब्रिटिशों के बीच में हुआ और यह युद्ध इतना निर्णायक था, इसी युद्ध ने ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता की नींव रखी थी। क्लियर है? किंतु अब आप देखेंगे कि किंतु यह एक वास्तविक युद्ध नहीं था, क्योंकि अली नगर की संधि के पश्चात क्लाइव ने सिराजुद्दौला के अधिकारियों और कलकत्ता के व्यापारी के साथ, जो जगत सेठ था उसके साथ एक क्या किया था, षड्यंत्र किया था। इस षड्यंत्र में मीर जाफर, राय दुर्लभ, यार लुत्फ खान और जगत सेठ शामिल थे। और इसमें यह कहा गया था कि अगर आप लोग युद्ध में नवाब का साथ ना दें तो सबको एक लालच दिया गया था कि उन्हें नवाब दे दिया जाएगा, इन्हें सेनापति बना दिया जाएगा। जगत सेठ को ये लालच दिया गया कि उसका जो व्यापार वाणिज्य है वो क्या होगा, बहुत व्यापक स्तर पर चला जाएगा। तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि जब 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ तो ये जो षड्यंत्र था क्लाइव का वो टोटली फॉलोअप हुआ, और इन अधिकारियों ने लड़ा ही नहीं और अंततः सिराजुद्दौला को वापस जाना पड़ा, वापस भाग खड़ा हुआ, प्लासी के युद्ध से ही भाग खड़ा हुआ। और इस प्रकार जो प्लासी था, प्लासी का युद्ध था ही नहीं, इसमें निर्णय को क्या किया था, इसमें निर्णय को पहले से ही जो धोखे के द्वारा इसको प्रभावित किया गया। ये सेगमेंट प्राय सभी लोग एक तरह से स्टोरी राइटिंग की तरह से 200-250 शब्द लिख डालेंगे, लेकिन इसमें कुछ और सेगमेंट जोड़े जाने की जरूरत है। जैसे इसमें एक दीपदास गुप्ता का एक नया स्पेथिस आया और उन्होंने बहुत बढ़िया कंपेयर किया कि प्लासी का जो युद्ध था एक आधुनिक मैच फिक्सिंग की तरह से था, जिसमें रिजल्ट को क्या किया कि पहले से ही निर्धारित कर लिया गया था। क्लियर है? और नवाब के अधिकारियों के साथ मिलकर के रिजल्ट निर्धारित कर लिया था। लेकिन अगर आप देखें कि मैच फिक्सिंग
और जो प्लासी थे उसमें एक थोड़ा सा अंतर भी दिखाई देता है कि प्रायः मैच फिक्सिंग वाले को क्या किया जाता है, मैच फिक्सिंग में हारने के लिए धन दिया जाता है, लेकिन यहां उल्टा हुआ कि हारे भी और पलट करके धन जो मिला वो किसको मिला, ब्रिटिशों को मिला। फिर भी कम से कम आप ये तो कह ही सकते हैं कि एक प्रकार की फिक्सिंग की गई, और जब फिक्सिंग की गई तो वो वास्तविक युद्ध था ही नहीं, वो छद्म युद्ध होगा या धोखा होगा। क्लियर है? तो इस एस्पेक्ट को आप जोड़ देंगे तो थोड़ा सा एक नवीनता दिखाई देगी, एक नया फ्लेवर दिखाई देगा, और एग्जामिनर को भी लगेगा कि चलिए इसने नए एस्पेक्ट को, नए नए बातों को भी उठा करके रखा। तो क्लियर है, प्लासी एक धोखा था, आप इसे कर सकते हैं। इसी के अलावा इसी से मिलते जुलते कई घुमा फिरा के भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि जैसे प्लासी के युद्ध में नवाब के अधिकारियों और जगत सेठ ने बंगाल के नवाब को बेच दिया, टिप्पणी करें, इस तरह के सवाल पे अगर आते हैं तो केवल टर्मिनोलॉजीज की बात है। जितने हमने डायमेंशन आपको यहाँ डिस्कस किए लगभग वो डायमेंशन सारे आपके आ चुके हैं, है ना। एक और टिप्पणी आपको डिस्कस करना चाहिए, ये आपको होमवर्क कह सकते हैं या आपका क्लास वर्क हो सकता है, इसको आपको करना चाहिए कि प्लासी बंगाल की प्रथम क्रांति थी। एक सवाल इसे आप लोग करेंगे, प्लासी बंगाल की प्रथम क्रांति थी। और हम आपको अभी फिलहाल हम आपको एक हिंट करते हैं यहां पे कि ये एक साम्राज्यवादी अप्रोच है। तो जाहिर सी बात है आप इस पे सहमत तो नहीं होंगे कि प्लासी जो है बंगाल की प्रथम क्रांति का प्रतिनिधित्व करता था। क्लियर है? तो आप इसे सोचिएगा कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है। हिंट इसमें सिर्फ यही है कि क्रांति जो है वो क्या है, आर्थिक राजनीतिक सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सकारात्मक और तीव्र परिवर्तनों का सूचक मानी जाती है। तो क्या प्लासी ने आर्थिक राजनीतिक सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में इस तरह के परिवर्तनों का बंगाल की राजनीति में सूत्रपात किया? जाहिर सी बात है नहीं किया, और यही वजह है कि हम इसे प्रथम क्रांति नहीं मानते, यानी कुल मिलाकर के इस टिप्पणी से हम सहमत नहीं होते। क्लियर है? राइट? जो क्रांति मानते हैं वो साम्राज्यवादी इतिहासकार मानते हैं, वो इस सेंस में मानते हैं कि इसने औपनिवेशिक सत्ता के आधार का निर्माण किया, और औपनिवेशिक सत्ता के आधार के निर्माण के पश्चात ही बंगाल में बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन हुए, और उन सकारात्मक परिवर्तनों को वो फोकस करने का प्रयास करते हैं। और जाहिर सी बात है जब हम उसका निष्पक्ष मूल्यांकन करते हैं तो वो परिवर्तन हमें कहीं भी बंगाल की राजनीति में दिखाई नहीं देते। क्लियर है? तो इसे आपको स्वयं लिखना होगा। जो हमने कल की क्लास लिया और आज के ये जो क्वेश्चंस को फ्रेम किया उसके आधार पर अगर आप उठा करके देखेंगे तो ऐसे ही लिखना होगा, तो आप इसको आगे ले जा सकते हैं। फिलहाल आइए हम लोग बक्सर की चर्चा करते हैं। बक्सर के युद्ध की बात करें, कुछ अन्य प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन लिखे इस पे कि बक्सर का युद्ध प्लासी की तुलना में अधिक निर्णायक था। बक्सर का युद्ध प्लासी की तुलना में अधिक निर्णायक था। क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आप, एक तो ये हो गया कि बक्सर का युद्ध प्लासी की तुलना में अधिक निर्णायक था, इसकी आप इस पर टिप्पणी करें, या ये पूछ दिया कि बक्सर के युद्ध ने प्लासी के निर्णय को पुष्ट किया। अच्छा सवाल है, ये भी पूछा जा सकता है। और आप लोगों से फिर कहूंगा मैं, वैसे तो आप एकदम टोटली डिपेंडेंट हो सकते हैं ऑनलाइन की क्लास पे, जो हमने मटेरियल प्रोवाइड किया, जो हम आपको क्वेश्चन आंसर कह रहे हैं डिस्कस करने के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स में चाहे मेंस में,
अगर आप उसको कर ले जाते हो तो कोई दो राय नहीं कि सक्सेस आपके साथ होगी। क्लियर है? फिर भी अगर आपको कहीं क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डाउट हो या आपको नए प्रश्न पूछने हैं तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, और अगर वो प्रश्न चर्चा करने लायक हुआ तो हम उम्मीद करते हैं चर्चा करने लायक तो होगा ही होगा, उसको हम लोग फिर क्लास में टेकअप करेंगे, राइट? तो आप लोग उसे जरूर देखेंगे और इसे लिखने का प्रयास करेंगे। तो बक्सर के युद्ध ने प्लासी के युद्ध को पुष्ट किया, ये हुआ। और एक अगर सिंपल सी बात, जो पीसीएस लेवल पे, आईएएस लेवल पे तो हम नहीं कहते, लेकिन निश्चित रूप से ये भी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बक्सर के युद्ध के महत्व की चर्चा करें। सिंपल सा सवाल, इतना सवाल पूछता नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर पूछ लेगा तो आप ये तो कहेंगे कि नहीं सर ये तो बहुत सिंपल सा सवाल हो गया, आपकी प्रैक्टिस के लिए भी बढ़िया हो जाएगा, बक्सर के युद्ध के महत्व की चर्चा करें। और या नेक्स्ट क्वेश्चन कि बक्सर के युद्ध के कारण और परिणामों की चर्चा करें, कारण और परिणामों की चर्चा करें। ये चार पांच क्वेश्चन हमने आपको दे दिया, कुछ प्रश्नों की हम लोग चर्चा यहां करेंगे, कुछ आप भी करेंगे। जैसे बक्सर के युद्ध के कारण और परिणाम की अगर हम बात करें तो ये सवाल तो आप उसी पैटर्न पे लिख सकते हो जैसे हमने आपको बताया प्लासी के युद्ध के कारण और परिणाम की चर्चा करते हैं, है ना? बक्सर के बाकी इन दोनों तीनों सवालों को हम लोग चर्चा करेंगे। बक्सर का युद्ध प्लासी की तुलना में अधिक निर्णायक था। आप लोग सोचें जरा इस पे कि कैसे इस बात को टेकअप करेंगे, तो कुछ पॉइंट्स हैं बहुत क्लियर कट समझ में आएंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले देखते हैं कि बक्सर का युद्ध, अगर ये सवाल आ जाता है कि बक्सर का युद्ध प्लासी की तुलना में अधिक निर्णायक था, इस चीज को कैसे आप लिखेंगे? तो आप जरा सोचिए निर्णायक क्यों ज्यादा था, एक एक पॉइंट को हम लोग टारगेट करते हैं फिर ड्राफ्टिंग करते हैं। जैसे देखा जाए इसकी अगर आपको इंट्रो करनी है, मान लीजिए कि अगर इंट्रो लिखना है, चलिए एक हम आपको देते हैं, आप भी लिख सकते हैं, आप नया भी इंट्रो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम आपको एक बहुत सिंपल सा इंट्रो, इंट्रोडक्टरी लाइन, क्योंकि आपके, आप लोग जितने भी ऑनलाइन या ऑफलाइन में जो क्लासेज में जो लड़के सवाल उठाते हैं वो सबसे पहले यही सवाल उठाते हैं सर शुरुआत कैसे करें, है ना? तो उस शुरुआत का जो भूत है आपके पास है वो मैं यहाँ पे दूर करने का प्रयास करता हूँ कि कितना सिंपल सा है अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो देखिए जैसे हमने आपको एक सिंपल सा इंट्रो दिया कि बक्सर और प्लासी और बक्सर कर लीजिए, या बक्सर और प्लासी कर सकते हैं, प्लासी और बक्सर 18वीं शताब्दी के दो निर्णायक युद्धों में से एक थे, निर्णायक युद्धों में से एक थे। सिंपल सी बात हमने आपको लिखा, एक थे जिसने औपनिवेशिक सत्ता के आधार को निर्मित किया। यदि आगे आप आगे बढ़ा सकते हैं कि यदि सूक्ष्मता से देखा जाए तो जो बक्सर का जो महत्व था वो प्लासी की तुलना में कहीं अधिक व्यापक था। आइए हम लोग एक एक चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहली बात अगर आप देखेंगे तो प्लासी एक छद्म युद्ध था, प्रॉक्सी वार था, धोखा था, लड़ा ही नहीं गया, छद्म युद्ध था। परंतु बक्सर क्या था? बक्सर एक वास्तविक युद्ध था। पहला तो आप यही कह सकते हैं कि जो बक्सर का युद्ध प्लासी की तुलना में अधिक निर्णायक था उसका तो यही एक पॉइंट है कि वह युद्ध था ही नहीं और ये तो कम से कम वास्तविक युद्ध था। दूसरी बात अगर आप उठा करके देखेंगे, दूसरी पॉइंट को आप उठा करके देखें तो आप ये कह सकते हैं कि प्लासी में सिर्फ बंगाल का नवाब था,
सिर्फ बंगाल का नवाब था और कोई दो राय नहीं, आप जानते हो इस बात को, नवाब था। जबकि बक्सर में कौन कौन सी शक्तियां थीं वो आप लिखेंगे, शुजाउद्दौला था, बंगाल का नवाब था और उससे भी बड़ी बात थी कि स्वयं शाह आलम द्वितीय था। तो निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ा युद्ध माना जाएगा इसकी तुलना में अगर आप उठा करके देखेंगे। तीसरी बात, अगर आप परिणाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप ये कह सकते हैं कि प्लासी के बाद ब्रिटिशर्स को कोई वैधानिक आधार नहीं मिला। ऐसा नहीं था कि कुछ वैधानिक आधार मिल गया हो, आधार मिला नहीं मिला। और बंगाल का नवाब जो था वो क्या था, बंगाल का नवाब एक कठपुतली नवाब बना मात्र। बंगाल का नवाब एक कठपुतली नवाब बना। जबकि बक्सर के बाद क्या हुआ कि बक्सर के बाद जो इलाहाबाद की संधि हुई, इलाहाबाद की संधि के द्वारा ब्रिटिशर्स को आधिकारिक रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। और बंगाल, बिहार और जब उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई तो अब वे क्षेत्रीय शक्ति बन गए। और आपको पता है कि दीवानी अधिकार प्रदान किया किसने, शाह आलम द्वितीय ने। तो अब उसको एक वैधानिकता भी मिल गई। तो प्लासी के युद्ध ने जो हस्तक्षेप का दाग लगाया था वो कहीं ना कहीं बक्सर के युद्ध के बाद वो वैधानिकता आपको दिखाई देती है ब्रिटिशर्स में। और अगर आपने ये तीन डायमेंशंस में ओपन कर लिया तो आप इस बात को कह सकते हैं कि सिद्ध कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किस तरह से जो बक्सर का युद्ध था वो प्लासी के युद्ध की तुलना में अगर आप देखेंगे वो अधिक व्यापक था। क्लियर है? तो ये पहले सवाल को उठा करके देखिए। अब देखो, लिखो, अगर आप वैसे लिखोगे ही नहीं तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जब आप लिखना शुरू करोगे तो हमने आपको 200 शब्दों में 100 शब्द तो यहीं लिख दिया, बस इसी चीज को एक्सटेंड करने की जरूरत है। 30 40 50 शब्द यहां हो जाएंगे, बाकी 60 शब्द इसको लिख दीजिए और लास्ट में आप लिख लीजिए। इस प्रकार ये कहा जा सकता है या ऐसा कहना तर्कसंगत प्रतीत होता है कि जो बक्सर का जो युद्ध था वो प्लासी की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण था। ये बात अगर आप लिखना चाहो तो यहां आराम से लिख सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद अन्य जो सवाल हैं इसी पैटर्न पे हैं कि बक्सर के युद्ध ने प्लासी को पुष्ट किया। इस पे भी यही थीसिस लगानी है कि प्लासी का युद्ध तो निश्चित रूप से यह एक छद्म युद्ध था, इसलिए यह वास्तविक युद्ध था ही नहीं, इसलिए वास्तविक शक्ति का आकलन नहीं किया जा सकता था प्लासी के युद्ध के परिणाम के पश्चात। क्लियर है, है ना? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो प्लासी के युद्ध में भी जो बंगाल के नवाब की जो सेना थी वो लगभग 40-50 हजार थी और इनके पास मुश्किल से 10 हजार के आसपास थी। तो 5 गुनी सेना को पराजित करने का जो श्रेय दिया जाता है प्लासी के युद्ध में वो तो युद्ध था ही नहीं, ऐसा कह करके टिप्पणी की जा सकती थी। लेकिन जब बक्सर का युद्ध हुआ और जब उसने बंगाल के नवाब के साथ साथ शुजाउद्दौला और शाह आलम को भी पराजित किया, तो अब आप ये कह सकते हो कि अगर वो छद्म युद्ध ना भी होता तो निश्चित रूप से प्लासी का परिणाम बदलने वाला नहीं था। और इसी आधार पर हमें इस बात को कह सकते हैं कि बक्सर के युद्ध ने क्या किया, प्लासी को निर्णय को कहीं ना कहीं पुष्ट जरूर किया। श्योर हो गई बात इस बात को? तो आज देखिए हमने प्लासी पे चर्चा किया, बक्सर पे चर्चा किया, अब हम लोग आइए चर्चा करते हैं द्वैध शासन की बात करते हैं कि द्वैध शासन क्या था और द्वैध शासन पे सवाल आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं। बाकी आपके प्रश्नों का भी इंतजार रहेगा कि आप प्रश्न पूछें कमेंट बॉक्स में कि सर इसका आंसर कैसे होगा और उस क्वेश्चंस को हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। राइट, तो आइए देखते हैं द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन, ड्यूअल गवर्नमेंट्स इन बंगाल
द्वैध शासन 1765 से लेकर के 1772 तक रहा, 1765 to 1772 तक रहा। क्लियर है? बंगाल में 1765 से लेकर के 1772 तक रहा। क्लाइव के द्वारा लागू किया गया, ये तो आपका लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लागू किया गया, ये तो एक इन्फॉर्मेशन है जो सभी लोग जानते हैं। तो पहला पॉइंट तो आपके दिमाग में यह रहना चाहिए, और आपको बताऊं कि द्वैध शासन लागू करने की नौबत कब पड़ी। आप जानते हो कि जो इलाहाबाद की प्रथम संधि थी उससे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली, किसको? ब्रिटिशों को प्राप्त हुई। उसके पश्चात क्या हुआ? उसके पश्चात नजबुद्दौला से एक संधि की गई, और नजबुद्दौला से संधि के द्वारा उसको प्रशासकीय यानी निजामत अधिकार प्राप्त हो गया। क्लियर हो गई बात? और जब निजामत और दीवानी अधिकार प्राप्त हो गई तो एक तरह से पूरा शासन प्राप्त हो गया। तो अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर में प्रत्यक्षता शासन क्यों नहीं किया? तो प्रत्यक्षता शासन इसलिए नहीं किया, याद रखने की जरूरत है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एलिजाबेथ के समय से व्यापार करने के लिए बात कही गई थी। उस समय एक नारा भी दिया गया था कि नो लैंड ओनली ट्रेड, केवल ट्रेड करने के लिए थे। तो जब वो ऑथराइज नहीं थे तो किस आधार पर प्रशासन करते? पहला कारण तो यही था, और दूसरा यह था कि यह राजनीतिक घटनाक्रम इतनी तेजी से चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी को टाइम नहीं लगा कि वो मिल पाया कि वो इस प्रशासन को कैसे टेकअप करे। इसलिए एक बीच का रास्ता उसने अपनाया, और वो था द्वैध शासन का। और जो द्वैध शासन था, आपको बताऊं, जो भी प्रशासन था, चाहे वो निजामत का था और चाहे दीवानी का था, इस बात को समझिए यहां पे कॉन्सेप्ट में, जो दीवानी था, दीवानी प्रशासन था, दीवानी को उसने तीन भागों में डिवाइड कर दिया, बंगाल बिहार और उड़ीसा में, ये तीन बड़े प्रांत थे, और उसने तीनों पर एक अधिकारी नियुक्त किए। वो सब सारे अधिकारी नवाब के थे। कौन थे? बंगाल में रजा खान था, बिहार में शिताब राय था और उड़ीसा में जो था वो था राय दुर्लभ। राइट? अब समझो क्या कह दिया गया कि ये अधिकारी रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। यानी इस द्वैध शासन में अगर आप देखोगे तो जो प्रशासनिक उत्तरदायित्व था वो प्रशासनिक उत्तरदायित्व किसको दिया गया? निश्चित रूप से बंगाल की ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को दिया गया। बंगाल नवाब के अधिकारियों को दिया गया। लेकिन जो राजस्व जमा होता था, कलेक्ट होता था, वो जाता था किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेजरी में जाता था। उसी तरह से जो निजामत का जो अधिकार था, वास्तव में कुछ हद पर तो कंपनी ने भी काम किया, लेकिन मुख्य रूप से यही रहा कि किस तरह से हम लोग नवाब के अधिकारियों से कार्य करवाएं, नवाब के अधिकारियों से कार्य करवाएं। राइट? और नवाब के अधिकारियों से कार्य करने के पश्चात इसका प्रैक्टिकल पार्ट था, कार्य करने के पश्चात जो रेवेन्यू जनरेट होता था वो मिलता था ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब जरा समझिए इस बात को कि इस द्वैध शासन की स्थिति को अगर आप उठा करके देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि सर द्वैध शासन में अगर आप अधिकार देखोगे ना, तो अधिकार मिला किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और उत्तरदायित्व मिला किसको? रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला बंगाल नवाब के अधिकारियों को। और जब अधिकार बिना उत्तरदायित्व के रहता है नवाब के अधिकारियों को, जब उत्तरदायित्व के बिना अधिकार दिया जाए, या अधिकार के बिना जब उत्तरदायित्व रहेगा, तो जाहिर सी बात है वो प्रभावी नहीं होगा। और इसीलिए हम लोग कहते हैं, ये सवाल आपसे पूछा जाता है, आपको जानना भी चाहिए। आपको एक क्वेश्चन हम यहाँ पे बताते हैं कि किस तरह से आप ये कह सकते हैं कि द्वैध शासन
अधिकार के बिना, अधिकार के बिना उत्तरदायित्व, अधिकार के बिना उत्तरदायित्व एवं उत्तरदायित्व के बिना अधिकार था। उत्तरदायित्व के बिना अधिकार था। टिप्पणी करें, अगर इस क्वेश्चन को आप देखें तो अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है, क्लियर हो जाएगा। अधिकार के बिना उत्तरदायित्व किसके लिए था? नवाब के अधिकारियों के लिए। और उत्तरदायित्व के बिना अधिकार, इसका मतलब क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए था। और जब आप इसका, जब प्रशासन में उत्तरदायित्व और अधिकार का जो इंटर रिलेशन होगा वो प्रोपोर्शनल नहीं होगा या अलग अलग व्यक्तियों के पास होगा, तो निश्चित रूप से ऐसा जो प्रशासन होगा वो सर्वाधिक भ्रष्ट प्रशासन होगा। और ये बात, ये तमगा केवल केवल इंडियन इतिहासकारों का नहीं है, बल्कि आपको बताऊं कि जो कॉर्नवालिस था, कॉर्नवालिस ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि 1765 से लेकर के 72 तक जो बंगाल में जो सरकार आपको दिखी, बंगाल में जो सरकार थी वो पूरी दुनिया की सबसे भ्रष्ट सरकार थी। तो आप समझ सकते हो कि क्या कंडीशन रही होगी। क्लियर? तो इस सेक्शन को लिखने की जरूरत है। अब आप द्वैध शासन के परिणामों की अगर आप चर्चा कर लें कभी, पहले हम परिणाम से पहले ये चर्चा करेंगे कि द्वैध शासन को कब समाप्त किया गया या कैसे समाप्त किया गया। तो निश्चित रूप से दो स्टेप में हुआ। सबसे पहले 1769 में, अगर आप देखेंगे 1769 की अगर हम बात करें तो 1769 में सबसे पहले सुपरवाइजरों की नियुक्ति की गई है। 1769 में सुपरवाइजरों की नियुक्ति की गई जिले स्तर पर, जिले स्तर पर सुपरवाइजरों की नियुक्ति की गई। और सुपरवाइजर इसीलिए किए गए थे कि ये देखा जाए कि जो प्रांत स्तर पर रेवेन्यू आ रहा है क्या वो सही आ रहा है, इनको शक के निगाह से देखा गया। और जिले स्तर पर जब हम सारे रेवेन्यू का आंकलन कर सकेंगे तो ये डिसाइड कर सकेंगे इनके आंकड़े से मिला करके कि वो आंकड़ा सही है या नहीं है। तो 1769 में वो पहला इनिशिएटिव लिया गया। और आपको बताऊं कि इसी समय संसद में भी यह प्रश्न उठाया गया ब्रिटिश संसद में कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस हैसियत से प्रशासन कर रही है। और वहीं पर एक अंतर्राष्ट्रीय और भी घटनाक्रम होता है, अमेरिकी उपनिवेश का स्वतंत्र हो जाना, जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री में चर्चा करेंगे। तो ये भी मुद्दा उठा कि अगर संसद अपने उपनिवेशों को सही ढंग से नियंत्रित नहीं करेगी शुरू से ही, तो वही हाल होगा जो कि अमेरिका का हुआ। और अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली ये होगा कि 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आएगा। हम लोग जब प्रशासकीय एस्पेक्ट की चर्चा करेंगे तो हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट की विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि इसी रेगुलेटिंग एक्ट ने ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की प्रक्रिया को शुरू किया जो कि लगातार बढ़ता चला गया। याद रखना 1773 से लेकर के 1853 तक समय समय पे जो चार्टर एक्ट संसद ने पारित किए, आप देखोगे कि हर नए चार्टर एक्ट में पिछले की तुलना में जो संसदीय नियंत्रण है भारतीय क्षेत्रों पर वो क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। और अल्टीमेटली 1857 में तो वो पूरा का पूरा शासन ही ले लिया गया। तो क्लियर हो गई बात। तो दो स्टेप में किया गया, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय समाप्त किया गया और सबसे पहले 1769 में सुपरवाइजरों की नियुक्ति की गई। क्लियर है? तो ये आपको पता चला कि द्वैध, यानी हमने चर्चा किया कि द्वैध शासन किन परिस्थितियों में लागू किया गया, द्वैध शासन का स्वरूप क्या था, द्वैध शासन कैसे समाप्त किया गया। और अगर द्वैध शासन के परिणामों की चर्चा किया जाए तो आप कह सकते हैं कि द्वैध शासन सर्वाधिक भ्रष्ट शासन था। और यहां से इस दौरान 1765 के से 72 के दौरान एकदम विश्वसनीय आंकड़े तो नहीं है, लेकिन आप ये जान सकते हैं कि प्रभूत मात्रा में
एक विशाल मात्रा में बंगाल से धन को लिया गया, इंग्लैंड भेजा गया, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ हुआ फ्रॉम बंगाल टू ब्रिटिशर्स हुआ, और इसी को नवीन चंद्र सेन साहब कहते हैं, वे कवि हैं, बंगाली कवि हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना के पश्चात जो बंगाल के लिए काली वाली रात, यानी जो कभी भी समाप्त नहीं हो रही थी, उस काली निशा की शुरुआत हुई इसी घटना के पश्चात हुई। पर्सिवल स्पीयर साहब ने कहा कि ये एकदम लूट का राज्य था। टीएम पड़ेकर साहब ने कहा कि ये डाकुओं का राज्य था। ये सब पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भले महत्वपूर्ण हो जाएं, लेकिन मोटी मोटा आपको इस बात को ध्यान देने की जरूरत है कि द्वैध शासन के पश्चात से ही आप देखोगे तो किस तरह से धन के निकासी की जो प्रक्रिया है वो आपकी शुरुआत हुई द्वैध शासन के पश्चात से। तो द्वैध शासन के परिणाम की भी अगर कोई चर्चा करें तो आप ये कह सकते हैं कि द्वैध शासन जो था बंगाल का, वो ड्यूअल जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो निश्चित रूप से जो वो था, क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार युक्त था, और भारतीयों के लिए या बंगाल के लिए जो था वो कम से कम क्या था, एक बेहतर प्रशासन तो नहीं ही था। तो जैसा भी प्रश्न आपसे पूछे उठा करके आप देख सकते हैं। फिलहाल आप इस बात को कॉन्साइज करिए, दिमाग में रखिए कि जो बंगाल में ब्रिटिश शक्ति का विकास आपने देखा, अगर आपने देखा तो इस समय अगर आप बंगाल में ब्रिटिश शक्ति के विकास को देखें तो अभी आपने देखा कि किस तरह से 1765 से 72 के दौरान ये जो बंगाल बिहार बांग्लादेश का जो पार्ट है, बंगाल बिहार और उड़ीसा का जो क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र को आप कह सकते हैं, अगर हम इस मैप कोई हेडिंग डालें कि ब्रिटिशर्स एट 1765 या 1772, तो आप इस बात को देख सकते हैं कि क्या कंडीशन थी। ये था। और इसी समय अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे अवध की। ये जो अवध का सेगमेंट था, अवध का जो सेगमेंट था, कल हमने चर्चा किया था, आज पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर चर्चा करेंगे, 1856 में भी इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन अवध की बात को अगर आप देखें, अगर आप अवध की से करें तो हमने सादत खान से लेकर के शुजाउद्दौला के समय तक की चर्चा कर लिया था, और आपको बताया था कि किस तरह से इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि हुई थी, एक एक पॉइंट हमने बताया था, आपको याद होगा, जो इलाहाबाद की द्वितीय संधि थी 16 अगस्त 1765 की, शुजाउद्दौला, और ये तो हमने खूब चर्चा किया है, आपको याद भी होगा, शुजाउद्दौला और ब्रिटिशर्स की। आपको बताऊं कि इस संधि में अवध ने एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना स्वीकार किया। ब्रिटिश रेजिडेंट का मतलब है ब्रिटिशों का एक प्रतिनिधि वहां रहता था, जो कि आंतरिक और बाह्य मामलों में राज्य को सुझाव देता था, हस्तक्षेप देता था, राज्य को सुझाव देता था, लेकिन वास्तव में उसका सुझाव हस्तक्षेप के स्तर तक होता था, राइट। इसके अलावा इलाहाबाद के संधि के द्वारा अवध में भी ब्रिटिशों को वो सारे अधिकार प्राप्त हुए जो कि उसे बंगाल में प्राप्त थे। क्लियर हो गई बात। तो इलाहाबाद के द्वितीय संधि में ये आधार रखा गया, और शुजाउद्दौला के पश्चात अगर हम चर्चा करें तो अवध के नवाब की अगर हम बात करें तो शुजाउद्दौला के पश्चात अगर आप देखेंगे तो जो शासक होंगे वो होंगे, वहां पे भी हमने चर्चा किया था, आसफुद्दौला की चर्चा किया था, कुछ
फैक्चुअली पॉइंट ऑफ व्यू से जानते रहिए। आसफ़-उद-दौला की बात किया था, ये 1775 से 1797 तक था। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाने 1797 तक था। और इसने क्या किया कि जो अपनी राजधानी थी, जो कैपिटल थी, वो फैजाबाद से लखनऊ कर लिया। और दूसरा जो एक पॉइंट था, इमाम बाड़ा की स्थापना किया इसने, इमाम बाड़ा की स्थापना किया। और आसफ़-उद-दौला के बाद जो शासक आपको मिला, वजीर अली, '1797 से '1798 तक, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं है इनका। वजीर अली के पश्चात आप जो नेक्स्ट शासक हुआ वो हुआ सादत अली, सादत अली का जो समय था वो 1797 से लेकर के 1798, सन एकदम नहीं याद रखेगा, 1819 तक था। और इसके समय में जो इलाहाबाद था, इलाहाबाद का जो किला था वो अंग्रेजों को दिया गया। आप सोच लीजिए कि क्या उपलब्धि है, कोई खास नहीं। और इसी ने अच्छा एक सवाल ये है कि 1801 में इसने 1801 में बेलजली के साथ सहायक संधि की। हम लोग चर्चा करेंगे, जब पॉलिसी लेवल पे चर्चा करेंगे तो सहायक संधि की स्पेशली चर्चा करेंगे, सहायक संधि की। उसके बाद आपको मिलेगा कि हैदर अली का नाम मिलता है सादत अली के बाद अगर आप देखेंगे तो हैदर अली मिलेगा। और हैदर अली के पश्चात वाजिद अली शाह अंतिम, वाजिद अली शाह मिलेगा अंतिम नवाब मिलेगा ये अवध का, राइट। और आपको वहां हम चर्चा करेंगे 1856 में स्पेशली एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से अवध का विलय किया गया, क्योंकि डलहौजी के समय में जब अधिकांश भारतीय क्षेत्र पर अवध का विलय कर लिया गया था, अधिकांश भारतीय क्षेत्र पर जब ब्रिटिशों का अधिकार हो गया था, तो एक अवध का क्षेत्र ही बचा हुआ था। और अवध के क्षेत्र का उन्होंने विलय किया, और क्लियर है। और वो एक 1857 के विद्रोह का जो है एक प्रमुख कारण बना, क्लियर है। तो वहां हम लोग चर्चा करेंगे, स्पेशली वहां हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि किस तरह से अवध का विलय किया गया और वो 1857 के विद्रोह का कारण बना। अभी आपको जानने की जरूरत क्या है कि जो 1765 के बाद तक, 1765 से लेकर के, याद रखिएगा, 1765 से लेकर के 1856 तक, 1856 तक अगर आप देखेंगे तो जो ब्रिटिशर्स की कंडीशन थी, जो अवध राज्य की स्टेट कंडीशन थी, वो क्या थी? अगर हम इसे ये कह दें कि प्रत्यक्ष नियंत्रण का क्षेत्र था, अगर यह क्षेत्र प्रत्यक्ष नियंत्रण का था, तो जो डॉटेड एरिया यानी अवध का जो क्षेत्र था वो था अधीनस्थ क्षेत्र था, अधीनस्थ सहयोगी का क्षेत्र था। और हमने आपको बताया कि अगर भारत में औपनिवेशिक शासन की स्थापना की प्रक्रिया में अगर किन्हीं दो राज्यों का अगर हमको स्थान देना है, नाम देना है, तो सबसे पहला नाम हम देंगे अवध का देंगे, और फिर
नेक्स्ट हम जब चर्चा करेंगे तो निजाम की देंगे। क्लियर है? तो फिलहाल आप ये कह सकते हो कि 1772 अगर इस फिगर की चर्चा कर रहे हैं तो हम इस बात को कह सकते हैं कि किस तरह से 1772 तक एक बड़े क्षेत्र पर, बंगाल बिहार उड़ीसा के क्षेत्र पर अगर आप देखेंगे तो अधिकार प्रत्यक्ष हो चुका था और अवध के क्षेत्र पर वो अधीनस्थ राज्य था, तो एक तरह से सबॉर्डिनेट स्टेट की तरफ था। यानी यहां पे कह सकते हैं कि सर बंगाल और अवध में ब्रिटिशों का जो, ब्रिटिशों की कंडीशन जो 1772 तक आपको दिखाई देती है वो कहीं ना कहीं एक ट्वाइलाइट, एक टिमटिमाता हुआ वो लाइट दिखाता है, दिखाई देने लगता है, जिससे कि औपनिवेशिक सत्ता का साम्राज्य लग रहा था कि कुछ ही दिनों के बाद, अब या कुछ वर्षों के बाद औपनिवेशिक सत्ता का निर्माण हो जाएगा। तो आज हमने बंगाल और अवध को देखा, कल हम स्पेशली देखेंगे कि मैसूर राज्य को उठा करके देखेंगे कि कैसे मैसूर, हैदराबाद और मराठे, जब हम चर्चा करेंगे दक्षिण भारत पे, प्री के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चर्चा होगी, वहां पे दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर है। अवध की चर्चा एक बार हम फिर करेंगे 1856 के अराउंड में। क्लियर है? यहां हमने सिर्फ अवध को पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया है। क्लियर है? तो कल हम लोग चर्चा करेंगे और आप उम्मीद करते हैं कि आपकी आज की क्लास को एंजॉय किया होगा। जिन क्वेश्चनों की हमने चर्चा किया उन क्वेश्चनों की आप ड्राफ्टिंग करिएगा, अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो कमेंट के सेक्शन में आपका स्वागत है, अगर वो इंटरटेन करने लायक होगा उस पर इंटरटेन किया जाएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।